नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आज सुबह एक सड़क हादसे में मालवाहक ट्रक के चपेट में आने से चालक की मौत हो गई। सिलीगुड़ी से सिक्किम के कुमरेक में जा रही हार्डवेयर के सामानों से लदी एक मालवाहक ट्रक SK01D2003 का दुर्घटना होने से यह घटना घटी है। सिक्किम के 4 माइल कुमारेक के निवासी उक्त ट्रक के चालक का नाम बुद्ध तामक बताया जा रहा है, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। रंफू पुलिस ने कहा कि दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर रंफू पुलिस चौकी से 12 माइल इलाके में हुई, जहां पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी जिला परिषद डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर रही है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने जलपाईगुड़ी जिला परिषद की ओर से कुल 55 लाख रुपए की लागत से बन रहे 2 अलग अलग पक्की सड़कों का शिलान्यास किया है। इसी बीच जिला परिषद की ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के तहत 2 पक्की सड़कें जो की 38 और 17 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। वहीं इस शिलान्यास कार्य में मेयर गौतम देव के अलावा जलपाईगुड़ी जिला परिषद के अध्यक्ष उत्तरा बर्मन, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष दिवासीस प्रमाणिक आदि भी मौजूद रहे। बम को खेलने वाले गेंद समझकर उठाने के प्रयास में हुए एक विस्फोटक में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हैरान कर देने वाली घटना मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के नोघड़िया इलाके में हुई है। घायल लड़के का मालदा के एक नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कहा कि लड़के की दाहिनी कलाई में गंभीर चोटें आई हैं, शरीर और पीठ पर घाव है। 48 घंटे तक इलाज चलने के बाद भी हम कुछ बोल पाएंगे। लड़के का फिलहाल नर्सिंग होम के आईसीयू में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। इसी बीच बम विस्फोट की खबर मिलते ही इंग्लिश बाजार थाने के पुलिस नौगढ़िया इलाके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार द्वारा 8वीं कक्षा तक स्कूल यूनिफॉर्म का रंग सफेद और नीला करने के फैसले के विरोध में जलपाईगुड़ी में कुछ दिनों पहले स्कूल के पूर्व छात्र संगठन ने विरोध रैली निकाली थी। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले के शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के द्वारा विरोध करने का भी सिलसिला जारी है। वहीं इस मामले को लेकर जलपाईगुड़ी की पूर्व छात्र संगठन की एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के जिलापाल से मुलाकात की और इस मामले को जिला अधिकारी के समक्ष उठाया। वहीं सभी मुद्दों को सुनते हुए जिलापाल ने आश्वासन दिया है कि इस विषय को लेकर जल्द से जल्द उच्च सदन में चर्चा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस संचालित रायगंज नगर पालिका के आर्थिक सहयोग से नववर्ष के अवसर पर आत्मनिर्भर समूह की महिलाओं को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उपहार दिए गए हैं। रायगंज विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 1 से 9 तक के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। इस दिन नगर निगम के अध्यक्ष संदीप विश्वास व अन्य पार्षदों द्वारा उपहारों व महिलाओं को प्रदान किया गया। नगर पालिका सूत्रों के अनुसार अगले 2 दिनों में नगर पालिका के शेष वार्डों की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उपहार सामग्री सौंपा जाएगा। बासंती पूजा के अंतिम दिन दशमी को मिलनपाड़ा गांव के निवासियों ने विधायक के साथ बासंती पर्व मनाया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदीगी प्रखंड अंतर्गत रसकोया 2 ग्राम पंचायत के मिलनपाड़ा गांव में बासंती पूजा के अंतिम दिन सोमवार की रात को करंदीगी के विधायक गौतम पाल व कार्यकर्ता सहित समर्थकों ने बासंती पूजा मनाया। पूजा समिति के सदस्य कृष्ण दास और गोविंद दत्ता ने कहा, हम यह पूजा करीब 30 सालों से करते आ रहे हैं, इस बार भी हम यह बासंती पूजा कर रहे हैं। हालांकि हमारी इस बासंती पूजा ने पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त की है। हम क्षेत्र के लोग आज विधायक गौतम पाल की उपस्थिति में बहुत खुश हैं। साथ ही साथ मैं और समिति के सदस्य आज हमारे कार्यक्रम में आने और गौतम पाल को धन्यवाद देना चाहते हैं। देश में दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि में आज ब्रेक लगा है। तेल कंपनियों की तरफ से आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में
कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 115 रुपए 12 पैसे जबकि डीजल का दाम 99 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल पहुंचने के बाद रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीदारों के लिए मूल्य में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं बढ़ती ईंधन के मूल्य से निजी बस ऑपरेटरों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसी बीच जानकारी मिली है कि डीजल के दाम बढ़ने से उत्तर बंगाल में सभी निजी बस सेवाएं बंद होने जा रही है। उत्तर बंगाल में विभिन्न रूटों पर बसों की कुल संख्या करीब 5,000 है, जिनमें से अब तक करीब 2,500 वाहनों को रोका जा चुका है। पिछले 5 दिन में ही संक्रमण का दर 0.21% से बढ़कर 0.32% पहुंच गई है। हालांकि रोजाना नए मामलों की बात करें तो रविवार को 1,154 के मुकाबले सोमवार को 861 केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,36,132 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,058 रह गई है। वहीं आपको बता दें कि देश में अभी तक कुल 4,25,03,383 लोग संक्रमित मुक्त हो चुके हैं और COVID-19 से मृत्यु दर 1.21% है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर 8760 830 848 58।